दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की पिछले वीडियो में इस वीडियो में बताया था फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये उसका फिफ्थ पार्ट है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए। सो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है फिजिक्स का पार्ट 5। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमती है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन संवहन विकिरण। चालन संवहन विकिरण ये सभी ऊर्जा के संचरण की विधि है ऊष्मा के। तीसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा की संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो वह है चालन। चौथा है कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा, तो वह संवहन द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो वह है विकिरण। छठा क्वेश्चन है ऊष्मा के हस्तांतरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण की होती है। सातवां है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी तब गति करती है, तो वह है विकिरण। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो वह है पारा। नौवा क्वेश्चन है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। दसवां क्वेश्चन है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण से। अब दसवां क्वेश्चन है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। एक बारहवां क्वेश्चन है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान गर्म होगा। तेरहवां क्वेश्चन है यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ताप की चालकता कम होगी। चौदहवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो वह है समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक है। अब पंद्रहवां क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के आधार द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो वह है संवहन कहलाता है। सोलहवां है कि निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, वह है पारा। सत्रहवां है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो वह है अवरक्त विकिरण। अगला चलते हैं। अठारहवां क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। उन्नीसवां है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, वह है ऊपर सफ़ेद नीचे काला। बीसवां क्वेश्चन है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला चलते हैं। बाईसवां क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचोफ का नियम है, यह नियम किरचोफ का नियम है। तेईसवां क्वेश्चन है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, भाप में एक गुप्त ऊष्मा होती है जिसको इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। अब चौबीसवां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल के बूंदे देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो जो ठंडे जल से। अब पच्चीसवां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु द्वारा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम है। अब 26वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो। 27वां क्वेश्चन है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 तक होने में ये कितना समय लेगा, 10 मिनट से अधिक।
28वां क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, वह है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। अब 29वां क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक दीवार हैं, दीवार थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। अब 30वां क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है समूहन के द्वारा विकिरण से चालक से चालन से, इन सभी द्वारा ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। 31वां क्वेश्चन है कि किस विधि में ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई जाती है, तो वह है विकिरण द्वारा। 32वां क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा। 33वां है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, वह है जल का। अब 34वां क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। 36वां क्वेश्चन है कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो है -196 डिग्री सेल्सियस पर। 37वां क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तित होने को उत्पादन कहते हैं। अब 38वां है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, इसलिए ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। 39वां क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह गलनांक कहलाता है। 40वां है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। 41वां है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कम हो जाएगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा। 42वां है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। अब 43वां है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। 45वां क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, जब किसी द्रव का दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब 46वां क्वेश्चन है कि अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह घटता है। 47वां क्वेश्चन है कि पानी कब उबलता है, तो इसका आंसर होगा जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पिघलता है। 48वां क्वेश्चन है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो है 273.16 केल्विन। 39वां क्वेश्चन है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। 50वां क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये पिछले वीडियो का लिंक चाहिए तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और साथ में इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर इसे करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।